subscribe to our YouTube channel Van Fin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. Van Fin, discover opportunities, create wealth. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप एसएमई पर हमारी खास पेशकश एसएमई कॉर्नर। तो पहले तो इंडेक्स लेकर आए स्क्रीन पर, देखें क्या हालचाल है एसएमई दुनिया का। प्रेशर में इंडेक्स वही 1.5% के आसपास के दबाव 753 के लेवल्स पर हो रहा है इस समय काम का। जे क्लियर नीचे उतरे, गेनर्स लूजर्स प्लीज स्क्रीन पर फायर करें डॉक्टर साहब। तो एग्रोफॉस इंडिया 6.5% उछाल, कीर्ति नॉलेज एंड स्किल 4.5% की तेजी, प्रो लाइफ इंडस्ट्री 4.5% मजबूत, रैम के प्रोटीन्स में भी 3-3.5% का उछाल। तो आज प्रोफाइल बदली, पिछले कुछ दिनों से रिपीटेड स्टॉक गिरने चढ़ने वाले सेम नजर आ रहे थे, आज थोड़ी सी प्रोफाइल स्टॉक से बदलती हुई। गिरने वाले शांति ओवरसीज में 5%, सुप्रीम इंडिया इंपैक्स में 6.5%, संगीनीता केमिकल्स 5% और बीटा ड्रग्स में 3-4% के आसपास के दबाव के साथ इस समय हो रहा है कामकाज। लेकिन आज एसएमई कॉर्नर पे एक और इंटरेस्टिंग गेस्ट और जाने माने फंडामेंटल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिखाऊं उससे पहले, दिखाई दीजिए शक्ल तो आप ऐसे ही पहचान जाएंगे, जॉनर कैपिटल के रिसर्च हेड अविनाश गोराक्षकर। अविनाश, आप भी एसएमई? नहीं, एक्चुअली हमने अभी फुल टाइम तो यू नो रिसर्च कवर नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग कंपनीज है। अभी काफ़ी बड़े एचएनआईज आशीष जी इसमें पैसा लगा चुके हैं, तो इसमें डेफिनेटली अगर बिजनेस अच्छा है और अगर लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी अच्छी है तो इन कंपनीज में डेफिनेटली एक निवेश का मौका इन्वेस्टर्स को जरूर देखना चाहिए। तो आप भी एक्टिवली अब एसएमई स्पेस को आप लोग ट्रैक करना शुरू कर चुके हैं, आपकी टीम ट्रैक करती है आपके लिए? हम करते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा कोई एक्टिव कवरेज नहीं है। हम अभी मिल रहे हैं, अभी रिसर्च यू नो कर रहे हैं, स्पेस में इंटरेस्ट जाग रहा है बिल्कुल। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स की भी मांग है कि ऐसी छोटी कंपनीज में अगर 2-3 साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से यू नो पैसा बनाने के लिए अभी सारे ऑप्शंस हम देखते हैं। हाँ, ऑब्वियस है, पैसा बनना है वो तो देखना भी है। अच्छा, एक काम करते हैं, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सवाल है गुजरात चलते हैं, राजकोट से मितुल शाह जुड़ते हुए। मितुल, सवाल पूछें। मैंने अफोर्डेबल रोबोटिक्स का एसएमई 85 रुपीज में अलॉट हुआ था, 1600 शेयर्स मेरे को, अभी 115 रुपीज चल रहा है। सो वो बेच देना चाहिए, रखना चाहिए, क्या है उसका फ्यूचर? आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए लगाया था या लंबी अवधि का बेट ले रखा है आपने? मैंने एक्चुअली तो लिस्टिंग गेन के लिए ही लगाया था, पर उसके बाद वो फिर नीचे नहीं आया और ज्यादातर उसकी रिपोर्ट जो भी आई वो पॉजिटिव ही आई, पर फिर भी आज एक्सपर्ट है तो सोचा के पूछ लेते हैं तो के आगे उनको कैसा फ्यूचर लगता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आप पूछ रहे हैं। अच्छा डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, वो आप प्लीज व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर्स फ्लैश करते रहे और आप लोग जब अपने एसएमई रिलेटेड स्टॉक्स पे सवाल पूछे तो #SME कर डालें तो हमें क्या है वो सॉर्ट आउट करने में आसानी होती है, अदरवाइज वो फ्लड ऑफ SMSs होते हैं उसमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अविनाश गोराक्षकर साहब, अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, मैं वाकिफ हूँ इस कंपनी से काफ़ी हद तक क्योंकि यहीं पे मैनेजमेंट आया था और बातचीत हुई थी मेरी उस मैनेजमेंट से, तो इंटरेस्टिंग बिजनेस तो था। मुझे ज़रा समझाएं, किसी ने अगर IPO में पैसा लगाया था तो 115 के लेवल्स के आसपास क्या एग्जिट करना चाहिए या लंबी अवधि के लिए आज से आप लोग को अट्रैक्टिव बेट लगती है, कंपनी के ऊपर पिक्चर क्या है? पहली बात तो आशीष, ये कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी इनोवेटिव और यूनिक है। इनफैक्ट इनके काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं, इनमें से पूना बेस्ड बजाज ऑटो भी इनका कॉर्पोरेट क्लाइंट है। ये कंपनी भी पूना की है? हाँ, पूना की है और ये बेसिकली ऑटोमेटेड टर्नकी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल यूजर सेगमेंट को केटर करती है। इस कंपनी का जो बिजनेस है हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में काफ़ी सिग्निफिकेंटली यू नो स्केल अप होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रोबोटिक्स एक ऐसा स्पेस है जो अभी काफ़ी कॉर्पोरेट्स अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो शायद यू नो एक मी टू सेक्टर वाला नहीं है, हर एक कंपनी इसमें एंटर नहीं कर सकेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक्सपर्टाइज काफ़ी ज़्यादा लगेगा। कमिंग टू द पॉइंट आशीष जी, मुझे लग रहा है कि अगर नज़रिया कम से कम 2 साल या 3 साल का है तो इसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और रिस्क रिवॉर्ड पॉसिबल हो सकता है, 115 रुपए से भी काफी बड़ा गेन पॉसिबल है। हालांकि मैं टारगेट प्राइस देना नहीं चाहूंगा, बट ओवरऑल अगर इन्होंने 85 रुपीज में लिया है तो मेरे ख्याल से अगर प्योर लिस्टिंग गेन है तो बात अलग है, ये बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे भी काफी सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ये काफी बड़ा मल्टीबैगर भी साबित हो सकता है। मित्र, कोई जल्दबाजी पैसा बुक करने की या पैसा रख सकते हैं स्टॉक में? ठीक है सर, थैंक यू। तो मित्र कल बेसिकली कॉल या फिर जो भी इसमें इन्वेस्टेड था IPO के समय से रखें, जल्दबाजी ना करें। लिस्टिंग के लिए आता तो क्या पर्पज तो आपका सॉल्व हो चुका है, लेकिन लंबी अवधि 2-3 साल में ये स्टॉक यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स देने का दमखम रखता है। अच्छा, अब चलिए अहमदाबाद, अच्छा गुजरात से ही सवाल। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, लार्जली SME प्लेटफॉर्म पे गुजरात की कंपनी लिस्ट होने आई हैं
या ज्यादा से कुछ महाराष्ट्र की, लेकिन डोमिनेंस गुजरात का ही है और सवाल भी सब गुजरात से ही आ रहे हैं, सबने वहीं के पैसा लगाया है। अहमदाबाद से दितेश नारंग साहब जुड़ते हुए, दितेश जी स्वागत है, कहाँ पैसा लगाया सर और आप लोग के एसएमई ट्रैक करते हो? जी सर, आशीष जी थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा सवाल इनोवेटर्स फसाद सिस्टम पे है। मुझे आईपीओ में 1600 शेयर 72 रुपीस पे अलॉट हुए थे। मैंने कंपनी का मैनेजमेंट का इंटरव्यू सीएनबीसी आवाज पे ही सुना था और मैनेजमेंट का आउटलुक मुझे काफी अच्छा लगा था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये मैं 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ? ठीक बात, तो लंबी अवधि का पूछ रहे हैं। इन्होंने तो सही नाम प्रोनाउंस करा, मैंने तो पहली बार फिकेट नाम प्रोनाउंस करा था, इनोवेटर्स फिकेट, तो सोनम ने मुझे करेक्ट करा था कि इनोवेटर इनोवेटर फसाद है ये। अब ये इनोवेटर फसाद कैसा लगता है आपको? नहीं, इनका अभी इनफैक्ट आशीष, अगर ओवरऑल हम इस कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल देखें, आई थिंक ये कंपनी डेफिनेटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स अभी ये हैंडल कर रही है, पैन इंडिया ऑपरेट कर रही है, काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड यू नो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इनके हैं, हमको लग रहा है कि अगर नज़रिया 2-3 साल का है तो डेफिनेटली ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। इसमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और जो इनपुट प्रोक्योरमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और हालांकि ये कोई हाईटेक यू नो जॉब नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एग्जीक्यूशन स्किल होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रही बात यू नो इस कंपनी में, अगर हम रिपोर्टेड न्यूज़ फ्लो से देखें तो काफ़ी बड़े एचएनआईज ने भी काफ़ी बड़ा पैसा लगाया है, तो काफ़ी वेल कवर्ड स्टॉक है। तो हमको लग रहा है कि इनका नज़रिया 2-3 साल का है तो ज़रूर होल्ड करें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एसएमई में स्केल अप होने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, बट अगले 2 साल में तो मुझे लग रहा है कि अगर कंटिन्यूएशन रहा मोमेंटम ऑर्डर बुक का और यू नो फाइनेंशियल्स का, तो इसमें अच्छा खासा पैसा है इवन फ्रॉम करंट लेवल्स पॉसिबल है। तो अफोर्डेबल रोबोटिक, इनोवेटर्स फसाद दोनों पसंद आते हैं, 2-3 साल के लिए दोनों का आउटलुक बेहतर है, तो इन दोनों स्टॉक्स में अगर निवेशित हैं तो होल्ड करें, फ्रेश निवेश भी करा जा सकता है चाहे तो, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली। ठीक बात, और जाते जाते हालांकि सोनम खड़ी हुई है लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा उनके पास क्योंकि रुद्र टाइम है नहीं मेरे पास। आप रुद्र अभिषेक जो एसएमई आईपीओ खुला हुआ है 5 जुलाई, वो कल बंद होने जा रहा है, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन कर ले। अविनाश आपका धन्यवाद, और एसएमई कॉर्नर में और आज के नोयर कंपनी में इतना ही। ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रदीप लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।